अगर जीना है तो सबसे पहले अपने गिराबा में जाके देखो, पहले देखो ना अपने गिराबान पे, 50 किलो का टट्टी अपने छाती में लगा के फिर दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाल रहे, ये कौन सा तरीका, ये कौन सा तरीका, जरा मुझे बताना, इस्लाम में ये जायज है? अजीब अजीब करके मैं अकेले ये बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से कांग्रेस के लीडरों को भी वही कुछ गलत बात बोल रहा है, एनसीपी के कुछ लीडरों को भी बात बोल रहा है, सब कुछ गलत है। ये चीजें नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे करगिल के लोगों के हाथ में जो निशान, लोगों के हाथ में टेलीफोन जो आया है, वो टेलीफोन जो है कुछ लोगों की वजह से हमारा पूरा कौम बदनाम हो रहा है, हमारा पूरा माशरा खराब हो रहा है। जिसको लिखना है सोच समझ के लिखो भाई, जिसको बोलना है सोच समझ के बोलो। ये जो आवाज तुम दे रहा है किसी के खिलाफ या कौम के खिलाफ, हमारे कौम के खिलाफ बोल रहा है, ये सिर्फ करगिल की चार दीवारी महदूद नहीं रहता है, ये पूरा दुनिया देखता है। हम लोगों को शर्म आना चाहिए। देखो मैंने अभी रिसेंटली सुना करबला के बारे में बहुत कुछ लिखा है वहां पर, मैं ये इसका मतलब नहीं कोई मेरे पहन नहीं दिखा, लेकिन ये मैं अखलाकन बोल रहा हूँ, मेरे बारे में भी बोल रहा है, कमर साहब के बारे में बोल रहा है, सीसी के बारे में बोल रहा है, मैं जैदल बात बोल रहा हूँ। ये चीजें नहीं होना चाहिए हमारे करके, ये गलत है। सियासत करो भाई, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर खुला सियासत करो, ये जमहूरियत यहाँ किसी के बाप का जागीर नहीं है, कोई बाप के जागीर नहीं भाई, ये गवर्नमेंट पैसा देता है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए काम देता है, यहाँ पर सियासत करने के लिए हमको जमहूरियत, यही तो जमहूरियत है, सियासत करना, लीडर निकला, वोटिंग करना, कैंडिडेट खड़ा करना, मैंडेट खड़ा करना, ये तो हमारा जमहूरियत है, हमारा हालांकि हमारा हक है, हर किसी का फर्ज है, लेकिन उस भी कोई तरीका होना चाहिए भाई। ये नहीं कि अपने कौम को खत्म करके अपने कौम पर कीचड़ उछाल के आप लीडरी करें, कौन सा मतलब ये बात, हर कोई बात करते इस तरह से, ये बात गलत है। अभी कौन सा लालू ने माशाल्लाह चलो ठीक है कमेटी बनाए, हम भी वेलकम करते हैं, हमारा प्रेसिडेंट साहब जाके उनको बता दिया था कि भाई हम जो है साथ है, सबके साथ है। जो काम अभी इस वक्त हमारे यूनिवर्सिटी का मसला है, मेडिकल कॉलेज का मसला है, रीजनल का मसला है, हमने ऑलरेडी हमारा प्रेसिडेंट जाके कमेटी को हमारा सपोर्ट दे किया है, तो इस वक्त जो है अभी कौंसल ने कमेटी बना के दिया है, हम उस कमेटी का रिस्पेक्ट करते हैं, उस कमेटी को साथ देते हैं, उस कमेटी के थ्रू जो है अभी हमारा जो मसले है, चाहे कॉलेज का मसला हो, चाहे यूनिवर्सिटी का मसला हो, चाहे प्रोजेक्ट का मसला हो, चाहे जो हमारे कमेटी के अंदर आता है, जो कमेटी को इन्होंने सौंपा गया है, क्या बोलता है ये जूनियर के मसला है, वो सब एक रोड मैप बन के एक स्ट्रेटजी के हिसाब से चलना चाहिए। और दूसरी बात ये देखो, मेरे रोड मैप सब मिल की बात ये है, देखो ये हमारा पूरा रीजन का मसला है, इसमें मुझे पूछेगा तो मुझे ही पता होना चाहिए कि भाई हमारा स्ट्रेटजी क्या है, हमारा मकसद क्या है। अभी हमारा सीसी साहब कुछ और काम करेगा, वहां कांग्रेस के लीडर करबलाई साहब हो या कोई दूसरा हो, जो भी हो, भी अपनी तरफ से कोई काम करेगा या मैं अपनी तरफ से कोई काम करेगा, कल को कोई पूछने आएगा मैं अलग से एक स्टेटमेंट देगा, सीसी साहब अलग स्टेटमेंट देगा, एग्जीक्यूटिव कुछ अलग स्टेटमेंट देगा, एमएलए एक्स एमएलए कुछ अलग स्टेटमेंट देगा, तो वो हमारा जो यूनिटी है, जो जो कथा हमने कमेटी बनाया है, उस कमेटी को बाहर के लोगों की नजर में जो है ये लोग अंदर से एक नहीं बोल के एक मैसेज है। लिहाजा अभी हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम साथ देने के लिए तैयार है, जब भी जरूरत है हम साथ है, तो कमेटी को आगे आना चाहिए और जूनियर के मसले पर जो है ये सबको मिलकर काम करना चाहिए। कौन सा बना है, हमारे डेवलपमेंट के लिए बना हुआ है, यहाँ अभी इस वक्त जहाज के एलो को ही इतना प्रॉब्लम खड़ा हो गया, उसके सियासत करने के लिए कौन सा नहीं बने, ये जहाज आया तो लोगों सबके हक है, उसमें एक आदमी के ऊपर पूरा डिपेंड करके उसी के ऊपर महदूद करके रखा हुआ है, उसका मर्जी चीज को गला काट के उधर फेंक दो, किसी गला काट के उधर फेंक दो, ये चार चलने वाली चीज नहीं। अभी जो भी काम करना है जनरल करना है, ठीक है कौंसल को प्रायोरिटी होना चाहिए, हम नहीं बोलते उसके खिलाफ है, कोई लिमिट से प्रायोरिटी होना चाहिए, पूरा जहाज का जहाज कौंसल के प्रायोरिटी पे चल रहेगा वो कैसे बन सकता है, फिर गरीब आवाम कहाँ जाएगा, गरीब लोगों को कहाँ जाना है, जिसका असर है उसको तो प्रायोरिटी मिला, जिसका असर नहीं वो बेचारा कहाँ जाएगा, जाते उसके लिए दूसरा बंदोबस्त कर लो, लिहाजा इन चीजों पर देखने की जरूरत है। इस हिसाब से मैंने रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीजों पर आप देख लीजिए, क्योंकि हमने कोई ऐसा बात नहीं बोला है जो कि आपको गलत लगे, ये चीज जनरल है, पब्लिक का डिमांड है, तो इस चीज के लिए आपको देखना पड़ेगा। मोर एंड मोर अपडेट सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल लद्दाख टाइम्स एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द फर्स्ट नोटिफिकेशन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट।